हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स। बेटा आज की 9 फेब 2024 की है, यह है डेली करंट अफेयर्स क्विज। तो देखते हैं इसको, डेली की डेली वीडियोस पढ़ रही हैं भाई, कोई डेट मिस नहीं हो रही है। तो 10-10 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन हैं, इनको डेली के डेली तैयार करते रहो, कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो देखो भाई क्या है आज का पहला क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियन सिटीजन्स। अब आपको ऑन अराइवल पर ही वीज़ा मिल जाएगा, आप आराम से जा सकते हो। तो वो कौन सा कंट्री है जिसने वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियन सिटीजन के लिए कर दिया है? अब कौन सा और दूसरा कंट्री है, कतर है, अर्जेंटीना है, जापान है या ईरान है? तो इसका ऑप्शन है ईरान, डी पार्ट आंसर है, ईरान ने हमें वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए बोल दिया है। नेक्स्ट, विद हुम has South Eastern Railway joined hands for the development of railway infrastructures. तो रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे ज़्यादा बनाने वाला है वो टाटा, टाटा स्टील प्लांट इंडिया की बैकबोन भी है। तो इसमें है ऑप्शन में है, देखो टाटा स्टील प्लांट, तो डी पार्ट इसका आंसर होना चाहिए। तो वैसे ऑप्शन क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, JSW स्टील्स, जिंदल स्टील्स एंड पावर्स एंड टाटा स्टील प्लांट, लेकिन रेलवे का जो बॉन्ड साइन है वो टाटा के साथ है, रेल की पटड़ी भी भाई टाटा ही बनाता है, तो टाटा स्टील प्लांट इसका आंसर है डी पार्ट। नेक्स्ट बेटा, वेयर वॉज दी दिव्या काला मेला 2024 ऑर्गेनाइज्ड? ये जो मेला है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? नंबर वन, अगरतला, जयपुर, लखनऊ एंड पटना। तो इसका ऑप्शन है बेटा अगरतला, अगरतला में ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज दीन बंधु छोटू राम थर्मल प्लांट पावर प्लांट लोकेटेड? तो ये जो पावर प्लांट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, ये हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन द ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट? गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ किसने ली है? तो ऑप्शंस है हमारे पास, जस्टिस विजय, जस्टिस अमित मिश्रा, जस्टिस अरुण बांसली एंड जस्टिस रमेश शाह। तो किसने ली है भाई, जस्टिस विजय बिश्नोई। ए पार्ट इसका आंसर है। लो जी, सिक्स्थ क्वेश्चन, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया? कौन है जी इसके जो अपॉइंट किए हैं नए डायरेक्टर? तो ऑप्शंस है सुमराय स्वामीनाथन, टेकियो कुशानी, मिको ओका एंड गीता गोपीनाथ। तो इसका आंसर है सी पार्ट, मिको ओका है ना, दैट इज प्रोनाउंस एज ओका। नेक्स्ट, विच इंडियन सेलिब्रेट्स वॉज विच इंडियन सेलिब्रेटरी वॉज रिसेंटली ग्रांटेड द गोल्डन वीज़ा ऑफ UAE? UAE का जो गोल्डन वीज़ा किसको दिया गया है, कौन से इंडियंस हैं? मनोज वाजपेयी, अनंत कुमार, पंकज और प्रशांत किशोर। तो ये दिया गया है भाई अनंत कुमार को। नेक्स्ट, ओल्स हैज बैक टेनवो हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के हैं, कजाकिस्तान के, मंगोलिया के, उज़्बेकिस्तान या अजरबैजान? तो इसका आंसर है ए पार्ट, कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। राजकोट स्टेडियम विल बी रीनेम्ड एज द फॉर्मर शाहपुर स्टेडियम एसोसिएशन SCA सेक्रेटरी? तो ये किसको कहा गया है SCA सेक्रेटरी, निरंजन शाह को, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन म्यांमार बॉर्डर? इंडिया म्यांमार बॉर्डर की अभी फेंसिंग करने के लिए बोला गया है, तो ही हैज रिसेंटली अनाउंस टू फेंस। तो कितना लंबा ये बॉर्डर है हमारे पास, 1643 किलोमीटर, 1845 किलोमीटर, 1248 किलोमीटर या 1328 किलोमीटर? तो इसका आंसर है भाई 1643 किलोमीटर। तो ये थी भाई आज की आपकी डेली करंट अफेयर क्विज। नेक्स्ट देखो बेटा, फाइनेंशियल क्विज। लो जी, अब आएगा आपका फाइनेंशियल क्विज। लो जी, आ गया जी फाइनेंशियल क्विज आज की डेट का, 9 फरवरी 2024 का जी। देखिए,
प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग बाय द बैंक इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लीडिंग टू, किसको कह रहा है ये? एग्रीकल्चर कह रहा है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कह रहा है, वीकर सेक्शन को कह रहा है, या तीनों को कह रहा है, ऑल द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो ये बेटा ऑल द अबव, ये एग्रीकल्चर में भी डील करते हैं, स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में भी डील कर रहे हैं, और वीकर सेक्शन में भी ये लोग डील करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फिल्ट्रेटिंग इन इट्स इफेक्ट्स? तो कौन सा है? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेबिट, बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक टू द फाइनेंस ए बजट डेफिट्स, बोरिंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस टू ए बजट डेफिट्स, क्रिएट अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिट्स, या इसमें नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है डी पार्ट, क्रिएट अ न्यू मनी फॉर द फाइनेंस है ना अ बजट डेफिट्स। उसके बाद इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनमी इट विल बी, अगर इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाए तो इकोनॉमी के अंदर तो क्या होगा? नंबर वन ऑप्शन डिक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, या वो कम हो जाएगी, इंक्रीज कर देंगे टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन को बढ़ा देगी। नेक्स्ट, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, तो सी पार्ट इसका आंसर है, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। लेकिन डी पार्ट क्या है? इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी, या नन ऑफ दीज? तो सी पार्ट बेटा इसका आंसर होगा कि इंक्रीज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट, If the interest rate is increased in an economy, it will be, अगर interest rate को economy के अंदर बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या होगा? तो क्या है? Decrease the consumption expenditure in the economy, increase the tax collection of the government, increase the cost of borrowing, increase the total saving in the economy, and none of these. देखिए, अगर tax बढ़ा दिया जाएगा तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो महंगी का मतलब क्या है? Increase the cost of borrowing, उनके खरीदना costly पड़ जाएगा। Next, the sale tax you pay will be purchasing toothpaste is, जो सेल टैक्स हम टूथपेस्ट के ऊपर देते हैं, टैक्स imposed by the central government, उसके बाद टैक्स imposed by the central government but collected by the state government, टैक्स imposed by the state government but collected by the central government, टैक्स imposed and collected by the state government, and none of these. तो tax imposed and collected by the state government उस टूथपेस्ट के ऊपर टैक्स लगाती है और उसे कलेक्ट करती है, इसमें सेंटर का कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज CSR, देखो इसकी फुल फॉर्म भी दे दी आपको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नंबर वन, फॉरेन कंपनीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम CSR ऑब्लिगेशन, CSR फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनीज ओनली इन इंडिया एंड नॉट अब्रॉड, CSR इज ए सॉलिटरी लाइबिलिटी फॉर कॉर्पोरेट एंट्रीज इन इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है? तो ये हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन टू थ्री, या नन ऑफ दीज? तो बेटा इसका आंसर है टू और थ्री, दो स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी, कि ये जो कंपनीज हैं यूटिलाइज करती हैं अपने फंड्स को इंडिया, अब्रॉड में नहीं लेके जा सकती। नेक्स्ट, ये एक सॉलिटरी लाइबिलिटी है फॉर द कॉर्पोरेट टू एंटर इन द इंडिया, इंडिया के अंदर लाने के लिए इनको जरूरत चाहिए। नेक्स्ट, विद द रेफरेंस टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसका फुल फॉर्म भी आ गया देखो, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? देयर आर not, they are not part of the payment and settlement system, they can acquire share stocks and other securities issued by the government, they are the largest net borrowing boards of funds from the financial system, इनमें से कौन सी statement correct है? तो ये तीनों की तीनों statements correct है, तो इसका answer होगा D part, first, second and थर्ड। तो ये था भाई आज का आपका डेली फाइनेंशियल अवेयरनेस 9 तारीख का। नेक्स्ट आ गया बेटा, अब जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे हम इसमें, ये भी आज की डेट की 9 फेब 2024 की। आगे आ जाओ जी, पहला क्वेश्चन, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ ईरान हैज अनाउंस्ड अ फ्री वीजा, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ईरान ने इंडियन सिटीजन के लिए फ्री वीजा सर्विसेज प्रोवाइड करा दिया फॉर इंडियन सिटीजन, इन द कॉन्टेस्ट
to the same tells us as per as section 5 of citizenship act a person of indian origin must normally reside in india for how many years before applying for registration. तो जो बंदा registration के लिए apply करेगा उसे minimum Indian citizenship के लिए कितने साल के लिए रहना होगा, जो बाहर से आके Indian में रहेगा और Indian citizenship apply करना चाहेगा, PR India की लेना चाहेगा, तो उसको कम से कम बेटा 7 साल रहना होता है, 7 years. Options are 4 year, 3 year, 1 year. Our answer is 7 years. 7 साल के लिए उसे कम से कम इंडिया में आना होगा. Next, South Eastern Railway. South Eastern Railway SER has joined the hand with Tata Steel. अभी हमने कहा था Tata Steel के ने रेलवे के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देना शुरू किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंटेस्ट टू द सेम द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड एट बिलासपुर कोलकाता भुवनेश्वर या फिर सुरेंद्राबाद. तो ये कहां पे होगा इसका, तो इसका आंसर है सी पार्ट. साउथ ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में आंसर है. लो जी, दिव्या काला मेला 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अगरतला त्रिपुरा के अंदर इन द कॉन्टेस्ट टू द सेम द लार्जेस्ट फेयर ट्रिबल फेस्टिवल इन साउथ इंडिया इज. साउथ इंडिया का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो है समका समरालम और जगारता, ये वाला फेस्टिवल है भाई उनका सबसे बड़ा. नेक्स्ट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 800 मेगावाट्स ऑफ दीनबंधु छोटू राम थर्मल प्लांट पावर प्लांट इन द कंटेस्ट टू द सेम टेल्स अस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी सब्स्टिट्यूट एज अ मेजर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कौन सा नहीं है इनमें, तो नॉट पूछा गया है. रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स बाय द स्टेम हीटर्स. नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेम बेस्ड हॉट वाटर बाय द सोलर सिस्टम. नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ कोल बाय द कोकोनट शेल राइस रस्ट एक्सेट्रा. रिप्लेसमेंट ऑफ विंड पावर बाय थर्मल. तो ये किसको किया गया है, इसका आंसर है फोर्थ का डी पार्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ विंड पावर बाय द थर्मल. नेक्स्ट देखिए भाई, जस्टिस विजय बिश्नोई हैज रिसेंटली टेकन एन ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी. अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा है. इन कंटेस्ट टू द सेम इन विच ईयर बॉम्बे हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड. जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, 1962, 1861, 1862 एंड 1961. तो ये 1862 में एस्टेब्लिश किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन हिज इंटरिम बजट 2024-25. इंटरिम, ये वर्ड इंटरिम तब यूज किया जाता है, हर सरकार तब यूज करती है जब दोबारा इलेक्शन आने हो और उससे जस्ट पहले बजट को अनाउंस किया जाए. तो इसमें गवर्नमेंट कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेती है क्योंकि उन्हें दोबारा जीत कर वापस आना है, तो बजट में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किए जाते. तो इंटरिम बजट 2024-25 हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस इंडियन फाइनेंशियल डेफिसिट्स टू 5.1% ऑफ GDP इन 2024-25. तो इसके लिए क्या है, एनकरेजिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, डाउन सीजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, सीलिंग ऑफ ऑफ लोडिंग टू द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है, तो इसमें से सी पार्ट करेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड वन. नेक्स्ट, उड़ीसा इज सेट टू अनवील द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेलानेस्टिक टाइगर सफारी नियर दी सिंपाल टाइगर रिजर्वेयर. एसटीआर कंसीडर द फॉलोइंग नेशनल पार्क रिवर फॉलोइंग थ्रू पार्क. तो ये कौन से हैं, कोबाल्ट नेशनल पार्क, रामागंगा, काजिलिया नेशनल पार्क, धर्मपुर, ब्रह्मपुत्रा. नेक्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कावेरी. तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है भाई, इसमें बी पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास आंसर है. रिसेंटली द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एनोग्रेट द कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन. कॉमनवेल्थ एंटोरी कॉमन वेल्थ
अटॉर्नीज एंड सॉलिट्रेट्स जर्नल कॉन्फ्रेंस इन 2024 इन न्यू दिल्ली. तो इसके लिए कौन थे भाई? कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, कैन टेक, कैन बी मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ लोकसभा, कैन स्पीक इन लोकसभा, कैन वोट इन लोकसभा. जो हमने कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज और सॉलिट्रेट्स रखने हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, वो अटॉर्नीज जो होने चाहिए, अटॉर्नी जनरल्स, वो इनमें से क्या होने चाहिए? तो इसका ऑप्शन है बेटा डी पार्ट, 1, 2 एंड 3. वो टेक पार्ट कर सकते हैं प्रोसीडिंग लोकसभा के अंदर जा सकते हैं, वो मेंबर कमेटी ऑफ लोकसभा भी रह सकते हैं और लोकसभा के अंदर वो बोल भी सकते हैं. तो ये है आपकी आज की भाई क्या डेली जर्नल अवेयरनेस क्विज. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ और डेली की डेली न्यूज़ भी डलनी शुरू हो जाएगी. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है भाई, जो 1 मंथ का जनवरी का कंप्लीट पैकेज जीके का आ चुका है, 32 पेजेस का है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है. थैंक यू.